नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आज हम बात करेंगे एक छोटे से ऑर्गन की, थायराइड, जो काम बहुत बड़े बड़े करता है। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड, तितली शेप्ड ऑर्गन है, आपके गले के यहाँ वॉइस बॉक्स के आगे मिलता है। इसके काम है बेसिकली मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन करना, हार्ट रेट पे अफेक्ट करता है, डाइजेशन पे अफेक्ट करता है और आपके इमोशंस पे अफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली दो किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण थायराइड की डिजीज़ होती हैं, दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं थायराइड। ऑटो इम्यून का मतलब मेरे शरीर का सेल, मेरा ही शरीर कुछ एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहा है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या मारी जा रही हैं। जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसके कारण होता क्यों है थायराइड की बीमारी, T3 T4 आपने दो बहुत सुने होंगे टेस्टों के नाम, ये बेसिकली दो हॉर्मोन्स हैं। इसमें 3 और 4 का क्या मतलब है? 3 और 4 का मतलब है कि इतने आयोडीन के जो कंपाउंड्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं। अब इसका मतलब है कि थायराइड में से जो हॉर्मोन निकल रहे हैं उनको आयोडीन की ज़रूरत होती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से अगर नहीं होंगे तो वो थायराइड्स की स्वेलिंग हो जाएगी, गोइटर हो जाएगा और उसके जो T3 T4 कम होने के सिम्टम्स हैं वो सारे बॉडी में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर थायराइड के सेल को अटैक ही कर दिया किसी एंटीबॉडी ने, जैसे थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं, थायरोग्लोबुलिन या anti-TPO, इस टाइप के टेस्ट भी आपने कभी कभी सुने होंगे। ये वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करती हैं जो थायराइड के सेल को जाके खा जाती हैं या मार देती हैं। सो अगर थायराइड के सेल ही कम हो गए तो फिर वो T3 T4 कम बनाएंगे और उसके कारण बीमारियां होंगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, हैशिमोटोज जिसमें थायराइड के सेल T3 T4 कम बन रहे हैं, या फिर ग्रेव्स डिजीज जिसमें ज़्यादा बन रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि थायराइड की बीमारियाँ बेसिकली दो किस्म से होंगी, या तो आयोडीन की कमी से या तो ऑटो इम्यून।